आग लग गई है कॉलेज के अंदर। गाइड्स वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। और अभी मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से थोड़ी जो है व्लॉग पर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर यूट्यूब पर ही कोई काम कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ और ये ऐप का नाम भी बता देता हूँ क्या है, सब चीज़ें बताता हूँ आप भी देखें भी। ये फर्स्ट टाइम जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये पता नहीं क्या है, अभी देखते हैं। मतलब अपने इंट्रो कर रहा हूँ, चलो लेट्स गो। कुछ इसका नाम यार पता नहीं कुछ नाम, हाँ इसका नाम था एनी मेकर। तो यहाँ से आप लोग को मतलब ये गूगल पे जाके मिल जाएगा आपको। हेलो देयर, ये बताना है मुझे। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल टीच यू हाउ टू क्रिएट अ वीडियो यूजिंग अ टेम्पलेट इनसाइड। तो रेलो समझा दिया और मैंने अच्छे से समझ ले लई के साथ मैंने समझाएगी डायरेक्ट हटा दिया, क्योंकि मुझे खुद ही जो है अपना चैनल बना लें। यहाँ से जो है करेक्टर हमें चूज़ करना है कोई सा भी, ये वाला हम करेक्टर जो है ये वाला, अरे आ क्यों नहीं रहा, ये वाला। अच्छा जी, तो ये करना है सीन वन में स्किप दिस इज वेयर यू क्रिएट आवर वीडियोस प्रॉप्स वीडियो एंड। सही है, अभी यहाँ पर हम वीडियो देख ही लेते ज़्यादा अच्छा है। सीन वन यहाँ पर हम पहले जो है टाइटल चेंज करते हैं, जो हमारा टाइटल है वो लिखते हैं। ओहो टाइटल कहाँ चली गया, असल में आज कल 150 हो रहा ना, तो मैंने सोचा कि इंट्रो में ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। ये वाला ठीक है। हेलो आई एम हनान, रो रहा हूँ। सो गाइस कुछ अभी मैंने एडिट करी है, ये देखें एडिटिंग जो है इंट्रो जो मैं अब यहाँ से बनाऊँगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में हो भी जाएगा। यहाँ पर मैं इसकी तस्वीर के बजाय अपनी तस्वीर लगा दूँगा। अब एक और चीज़ जो है मैंने करी है वो भी आप ज़रा देखें। शुरू वो अभी आया नहीं, एक मिनट मैं भी यहाँ से आएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो देगा। देखा यहाँ से जो है वॉइस कवर लिया मैंने यहाँ से, उसके बाद जाके मैंने एडिटिंग करी है। तो अभी देखते हैं कब तक बनेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ पर आप अगर आप हॉरिजॉन्टल वीडियोस बनाना चाहते हैं, वर्टिकल वीडियोस बनाना चाहते हैं, कोई सी भी, या फेसबुक की कोई सी भी आप मतलब जिस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहते हैं, या आप यूट्यूब पर डालना चाहते हैं, यहाँ से जो है आप इंट्रो ले सकते हैं। बहुत अच्छी ऐप है एनी मेकर, आप लोग भी जाके देखिएगा और मेरा तो मानना आप लोग भी करिएगा, लेकिन पहले इस सीख लीजिएगा। तो मैंने भी अभी सीखा, ये क्या ऐड आ रहे हैं यार, चलो हटो, हाँ सही याद है तुम, हमें दिया है यूट्यूब का, तो हम तो जाएंगे ये यूट्यूब से। तो यहाँ पर आ चुके हैं मेरे पास यूट्यूब के इंट्रोस बहुत सारे तरीके के, तो मुझे तो व्लॉगिंग के लिए लेना है, तो मैं अभी चेक करूँगा कि कौन सा अच्छा फिर मिलता है। मैंने एक जो है चूज़ कर लिया है कि कौन सा लूँ, ये वाला दिख रहा है ये क्यूट वाला, तो ये वाला जो है मैं वो ले रहा हूँ चैनल का इंट्रो। चेक करते हैं कि क्या होता है, सही है या नहीं है, नहीं होगा तो दूसरा फिर करेंगे। मैं आप लोगों ने जो है इंट्रो देख लिया होगा और पसंद भी किया होगा उस इंट्रो को, अगर वो भी पसंद ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह दूसरा इंट्रो बना के इससे भी अच्छा बना के जो है शुरू से लगा दूंगा। आपने शुरू से देख भी ली होगी, और अभी मैंने अपने आप को जो है सेंड कर दी है, आप लोगों ने शुरू में देख भी ली होगी इंट्रो, तो बड़ी मेहनत लगी इस काम में, लेकिन चलो खैर अच्छा हो गया, जो होता है देखो अच्छे के लिए होता है। मैंने पूरा मतलब कर लिया और तकरीबन मुझे टाइम को तो नहीं बता रहा, मैं पता नहीं कितना टाइम लगा, लेकिन 26 सेकेंड की ये वीडियो थी। और कुछ कुछ वीडियो को मतलब जो फजूल क्लिप थी उसको हटा के जो है हटा के कुछ 5 या 10 सेकंड की जो है मैं वो इंट्रो बनाऊंगा, ताकि जो है आप लोग को भी मज़ा आए और हमें भी मज़ा आए इंट्रो बनाने में, एडिटिंग करने में। तो फ़िलहाल अभी का सीन ऐसा है कि
एडिटिंग जो है फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। अभी हम थोड़ा बहुत क्या नाम है लैपटॉप ही देखेंगे, एडिटिंग वगैरह सीखूँगा। ये भी मैं एडिटिंग से सीखा हूँ, तो मतलब यूट्यूब से देख देख के जो है मैं सीख रहा हूँ सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से जो है मैं टीम हैकर्स वाले चैनल पर अभी रुका हुआ हूँ ताकि मैं अच्छी एडिटिंग कर पाऊँ, सब चीज़ें कर पाऊँ। इसका मतलब है डिस्टेंस चेंज ही हो रहा। जब डिस्टेंस चेंज ही हो रहा इसका मतलब है वेलोसिटी जीरो है, बॉडी रुकी हुई। अभी रुके थे गाड़ी, बॉडी भी रुकी थी, गाड़ी भी रुकी थी, तो डिस्टेंस चेंज। तो पहले वाले ग्राफ का ये मतलब है कि बॉडी रेस्ट में, बॉडी लेकिन इसको भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं। जीवन क्या है डिस्टेंस का बोला है, दूर जाती है तो डिस्टेंस 43 सही है। तो दोनों में यूनिफॉर्म है, बस फर्क क्या है कि एक पे गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी जा रही है। अब जाने वाला तो सब पढ़ा देते हैं, आने वाला नहीं पढ़ाते, एप्टीट्यूड में आने वाला। इसलिए जब आगे यूनिवर्सिटी में जब टेस्ट दोगे तो वहां पे ये ग्राफ बना होगा। अब यहाँ पे किसी ने ग्राफ देखा ही नहीं आग लग गई है कॉलेज के अंदर। कॉलेज के अंदर जो है आग लग गई है और सारे बच्चे भागने के लगे हैं लेकिन रोका हुआ है। पानी पीने आया हूँ और छुट्टी दे गई है ना पत्नी की, आग भी लग गई है, लगी नहीं है, लगाई उन लोगों ने, पानी वानी पीते फिर। आपके भाई ने बोला कि थोड़ा बहुत गेम खेल लेते, फारिग से कोई लेने तो आया ही नहीं मुझे, तो यहाँ पर नेट के इशू आ रहा है तो कौन सी गेम खेला जाए यार। चलो डीम लीग खेल लेते हैं हम, आ जाओ डीम लीग। डीम लीग जीतते हैं, सब ब्लैक ब्लैक स्क्रीन है, मैंने आपको मोबाइल दिखाया हुआ भी इतने में गेम खेलता हूँ और आप लोग आए। मेरी जो मतलब मैंने लोगों को मतलब एडिटिंग वगैरह करी है ना शुरू की, वो आप क्लिप देखें, फिर हम आपको डायरेक्ट घर पे मिलेंगे। वो क्लिप देखने के बाद डायरेक्ट घर पे मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। जो कुछ नहीं पता कि कब छुट्टी हो जाए और क्या टाइमिंग दी जाए। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी तकरीबन 1:30 बजे वैसे छुट्टी आम कॉलेज की हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टाइमिंग जो है गलत है, बट इन लोगों ने बाकी जो है 1:30 बजे और हमारे जो है बिल्कुल कोई भी टाइमिंग नहीं है इस वक्त, कोई भी हमारी फिक्स टाइमिंग नहीं है। कभी भी हो सकते 11:30 पे, 12:15 पे, 12:30 पे, 1 बजे कभी भी दे सकते हैं ये लोग। तो फुल मिला के जो है टाइमिंग जो है फुल मिला के जो है पता नहीं होती। तो पता नहीं क्या हम घर वाले को क्या टाइम दें, जो लेने आते हो उनको क्या टाइमिंग दें हम। अब आप भी तो एक फिक्स टाइम रखो ना यार। अभी जब पिछले 2 हफ्ते बाद ही आया हूँ मैं, 2 हफ्ते पहले आया तो टाइमिंग कुछ इस तरीके की थी, 11:30 बजे फिक्स, 11:30 बजे छुट्टी हो जाया करती। मेरा आज भी इरादा नहीं था कॉलेज का आने का, बेसिकली मैं आया हूँ एनरोलमेंट के चक्कर में, लेकिन वो आज नहीं मिला। एक पर्चा था जिसकी वजह से आप ले सकते हो एनरोलमेंट, तो बस वो पर्चा आज मिला है। सर्टिफिकेट देना था और एक और कोई चीज़ थी, मार्कशीट। अब आपको डायरेक्ट मिलेंगे घर जाके के साथ। जा भाई बैठ जा, बैठ जा, कब से कोशिश कर रहा हूँ बाल बन जाए बन जाए बन जाए। अब ये जब बड़े हो जाते हैं ना बाल, तो कभी यूँ पोनी बन जाती है, कभी मुड़े जाते हैं, कभी पता नहीं क्या हो जाता है। तो बाल हम कटवा देंगे इंशाल्लाह संडे वनडे को, जब भी टाइम मिलेगा बाल हम कटवा देंगे, क्योंकि बहुत बड़े हो गए। ब्लॉगिंग के लिए सही नहीं है, क्योंकि पहले मेरा शौक था कि मैं बाल बढ़ाऊँ, अब जो है ब्लॉगिंग के लिए जो है मैं बाल कटवाऊँगा। वैसे अभी भी शौक है कि मैं बढ़ाऊँ बाल, लेकिन अभी वो उम्र नहीं है जो मैं बाल बढ़ा सकूं, क्योंकि अभी मैं एक स्टूडेंट हूं।
तो अभी तो कोई मेरा ऐसा इरादा नहीं है। मतलब अगर होता है इरादा एक तरीके से, आप लोग बोलेंगे कि अब भाई आप कहना क्या चाहते हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक तरीके से इरादा है और एक तरीके से नहीं है, क्योंकि मेरा शौक है वो तो मैं इंशाल्लाह बढ़ाऊँगा, एक दिन तो लाजमी बढ़ाऊँगा मैं बाल। सो फिलहाल अभी तो बैठ गए बाल, फिलहाल हमारी बात कंटिन्यू करते हैं। तो आज जब आग लगी तो आप लोग ने देख लिया किस तरीके से आग लगी, आग लगाई थी लगी नहीं थी, वो पता नहीं पौधे वगैरह जो है जला रहे थे। और मुझे क्रिकेट के हवाले से भी वीडियो बनानी है, बट अभी टाइम ऐसा नहीं है कि मैं बना पाऊँ। और अभी का फिलहाल ऐसा सीन है कि मैं अभी खाना वाना खाऊँगा, सो जाऊँगा, कोचिंग में थोड़ा बहुत अगर बना सका तो मैं लाजमी इंशाल्लाह बनाऊँगा। सो मिलते हैं आपको, आप इंशाल्लाह या तो डायरेक्ट कोचिंग में, वरना रात में मिलेंगे। ब्लॉग एंड करते वक्त पता नहीं किस तरीके से मैं एडिटिंग करूँ, जो मैंने शुरू में बोला था कि मैं एडिट, मतलब जब एडिटिंग कर रहा था तब मैंने बोला था कि मैं शुरू में, आप लोग ने देख भी लिया होगा यार, असल में ना इस मोबाइल में मैं एडिटिंग कर नहीं सकता। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ब्लॉग किस तरह एडिट करूँगा, क्योंकि कुछ क्लिप ऐसी हैं जो आगे पीछे हुई हुई हैं, तो उस पर भी थोड़ा बहुत मुझे होगा कि मैं किस तरीके से एडिट करूँ। अगर थोड़ी बहुत भी एडिटिंग में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, बस कुछ महीने या कुछ दिन रुक जाए इंशाल्लाह, फिर मैं मोबाइल का जुगाड़ कर लूँगा। तो फिर आपको व्लॉग भी अच्छे मिलेंगे, डेली व्लॉगिंग मैंने इसी वजह से छोड़ी, और जो 10 दिन बाद में व्लॉग बना रहा हूँ उसका रीज़न भी यही है, मोबाइल तो वही है लेकिन मोबाइल में सही एडिट नहीं कर पाता। डेली व्लॉगिंग अगर मैं करने स्टार्ट कर दूँ तो बिल्कुल भी एडिट नहीं हो पाएगी। अभी ये व्लॉग भी पता नहीं कब तक आएगा, आज है तकरीबन 23 तारीख, तकरीबन क्या 23 तारीख है और 11वां महीना चल रहा है 2022 का, 11वां महीना ना, तो मंडे है या ट्यूसडे है क्या था, हाँ आज वेनसडे है। अब पता नहीं कब तक व्लॉग आएगा, क्योंकि इसमें एडिट करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। सो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, वैसे ही सुबह सर्दी थी अभी गर्मी लग रही है, मौसम कराची के मौसम का ना पता नहीं चलता। चलो।